हैप्पी 71th रिपब्लिक डे दोस्तों। सबसे पहले हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नरसिंह राव, नाथ मुखर्जी और सभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सल्यूट देना चाहता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया अभी के और बाद के भी नज़रिए से। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, पर क्या हम इसको अपनाते हैं अच्छी तरह से? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय पर। हमारे प्रीएम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन। सॉवरेन मतलब किसी दूसरे देश का कंट्रोल न होना। हमारा देश खुद से चलता है, पर हमें अंधविश्वास नियंत्रण करता है। आज भी बहुत सारे अंधविश्वास माना जाता है और उससे बहुत बुरा असर पड़ा है। आओ चलो दोस्तों, तो इस दिवस पर हम पटाखे नहीं लेकिन अंधविश्वास जलाकर हम इस दिवस को मनाएंगे। तो दोस्तों, सेकेंड पॉइंट है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। दोस्तों, सेक्युलर का मीनिंग है किसी धर्म के साथ न जुड़ना। इसका मतलब ये भी होता है कि देश सब नागरिकों का है, किसी धर्म का नहीं है। लेकिन हम लोग हमारे अपने धर्म बना चुके हैं। हम सभी को लगता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन मेरा मानना है कि दोस्तों, हम धर्म को भगवान नहीं, हमारी सृष्टि, इस नेचर और खुद और दूसरे इंसान को भगवान माने और उनकी पूजा करें। आओ दोस्तों, इस दिवस पर हम अपने धर्म को भगवान नहीं पर सब सृष्टि को भगवान मानकर चलेंगे और मिलजुल कर रहें। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन ब्रीफ फेथ एंड वर्शिप। इस तीसरे पॉइंट का अर्थ यह है कि हमें पूरा आज़ादी है कुछ करने का और कर दिखाने का, मन का सुनने का, बोलने का और सब बाकी क्रिया जैसे चलना, जाना, घूमना, फिरना और अपने मन की सुनना। हम दोस्तों लिबर्टी तो हासिल कर चुके हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी भी हमारे देश में लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है। कुछ लोग अपने समाज के कानून से चलते हैं, यह हमें मिटाना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रीएम्बल के पॉइंट। हाँ दोस्तों, सिर्फ प्रीएम्बल के, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी बाकी है। तो ये थे प्रीएम्बल के पॉइंट जो हम अच्छी तरह से लागू नहीं करते, और थोड़े पॉइंट्स हैं जो हम पालन नहीं करते। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि राइट टू लाइफ, मतलब हमारी जिंदगी हम खुद ही डिसाइड करेंगे। लेकिन इधर तो दूसरा ही चल, इधर मैं बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स को नहीं लेकिन थोड़े पेरेंट्स को। हम हमारे कारोबार, पेरेंट्स हमारे कारोबार अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन हमें बच्चों को पूछना चाहिए क्या तुम करोगे। हाँ बोले तो हम दे सकते हैं, लेकिन ये बोले तो उन्हें हम प्रोत्साहन दे सकते हैं कुछ आगे कर दिखाने का। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नो टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब हम जो रैगिंग करते हैं, रैगिंग देते हैं या सोशल मीडिया भी बहुत सारे गाली देते हैं कमेंट में, हम नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सुनिए दोस्तों, आप एक गुनाह कर रहे हैं। तो मेरी आपसे आशा है कि अगर आप इन फंडामेंटल राइट्स को पालन नहीं करते तो कृपया पालन करिए। ट्रिब्यूट होगा उन लोगों को जो हमारे संविधान के लिए दिन रात मेहनत की है और एक बढ़ता भारत सोचकर एक बहुत ही ठोस संविधान बनाया है। मुझे पता है दोस्तों कि एक दिन हमारा भारत बदलेगा और तरक्की करेगा, लेकिन ये नहीं पता कब बदलेगा। लेकिन ये ज़रूर पता है कि
अगर हम बदलेंगे, अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा देश भी बढ़ेगा। तो इसी बात में मैं समृद्ध कुलकर्णी आपसे विदाई लेना चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि इस कड़ी में मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।